उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा है कि राज्य के 102 गांवों को अगले वर्ष मार्च माह तक बिजली की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। राज्य सरकार ने आज आश्वासन दिया कि 102 गांवों का आगामी मार्च तक विद्युतीकरण किए जाने के साथ साथ 2,70,000 घरों को 2019 तक बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। सर्वे हुआ और आज के बीच कई ऐसे नए घर बने हैं, कई जो है एडिशंस हुई है, तो उन्होंने कहा कि वो भी लोग जो बिजली का कनेक्शन चाहते हैं वो कनेक्शन दिया जाएगा। उसमें कनेक्शन में सौभाग्य से मैं शुरू करूंगा बात, उसमें हम कोई ज़मीन का टाइटल क्या है, घर का टाइटल क्या है, उसमें नहीं जाएंगे। जो बिलिंग हो उसको बिजली दी जाएगी और मुफ्त कनेक्शन दिया जाएगा। मुफ्त का मतलब है कि कनेक्शन सरकार की ओर से लगेगा, लेकिन कंज्यूमर को जो बिजली वो कंज्यूम करेगा उसका किराया देना पड़ेगा। ये गरीबों के लिए है, बीपीएल या इस प्रकार की डेफिनेशन नहीं है। गरीब की डेफिनेशन क्या है अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उसके लिए है। और इसके साथ हमने जम्मू कश्मीर सरकार ने जो एक प्रावधान रखा है कि हम हर गरीब को 30 यूनिट जो है फ्री बिजली देंगे। ये दोनों को जोड़ा जाए तो गरीब को 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, कनेक्शन भी मिलेगा और मुफ्त बिजली भी मिलेगी। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है जो कि प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर, हमारी सरकार, हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट, हम इस पर लगे हैं। आज यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि देश में पहली बार ट्रांसमिशन टावरों को लगाने के लिए हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया गया। यह प्रयोग जालंधर सांबा व सांबा अमरगढ़ के बीच लाइन बिछाने के दौरान किया गया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना को निर्धारित समय सीमा से 18 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया। जो अमरगढ़ वाली लाइन है, जो सांबा अमरगढ़ वाली, मैंने 3-4 मीटिंग्स अपने लोगों से करते हुए, हमने 18 महीने वो एडवांस में लाइन बन रही है, राइट ऑफ वे जंगलात है, बाकी है। हमने ये पहली बार मुझे लगता है हिंदुस्तान में वो हेलीकॉप्टर उसको यूज किया है जम्मू कश्मीर में, कि पूरे का पूरा पोल उठा के वहां पर वो इरेक्ट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरडी टाइम्स।